पंजाब दे विच जहरीली शराब ने अजिहा तांडव मचाया कि 100 तो वध जानां चलियां गईयां। इसे ते पेश साडी खास पेशकश मौती शराब। पंजाब विच जहरीली शराब पीण नाल मौतां दे आंकड़े दे विच वाधा होया है ते हुण 104 दे करीब मृतकां दी गिनती पहुंच गई है। जहरीली शराब पीण नाल मौतां दा आंकड़ा वधदा जा रहा है और इस वेले तकरीबन 104 लोकां दे मरण दी जानकारी मिल रही है। इकल्ले तरन तारण विच ही 80 लोकां दी मौत हो गई है। बटाला अते अमृतसर देहाती विच भी 12-12 मौतां होईयां दस्सियां जा रहियां ने। कई लोकां दा हाले भी हस्पताल दे विच इलाज चल रहा है। मौतों तो बाद हुण पुलिस जागी है और उसके बाद ही हुण थां थां ते छापेमारी की जा रही है। 104 दा आंकड़ा मौतों दा हो गया है। हले भी कई लोग हस्पताल विच इलाज लई भर्ती ने और 100 तो उपर दा आंकड़ा हो गया और इन्हां मौतों तो बाद हुण आखिरकार पुलिस जागी ते थां थां ते छापेमारी की जा रही है। अमृतसर, जलालाबाद, राजपुरा, फिरोजपुर विच पुलिस वल्लों रेड की गई है ते वड्डी मात्रा विच लाहण ते होर समान पुलिस वल्लों हुण जब्त किया गया। जहरीली शराब दे चलदियां मौतां दा आंकड़ा वध के हुण 104 हो गया है। इकल्ले तरन तारण विच 80 लोकां दी मौत हो गई है और हले भी कई लोग हस्पताल विच भर्ती ने जिन्हां दा इलाज चल रहा है और आखिरकार हुण पुलिस जागी है ते थां थां ते छापेमारी की गई है। अमृतसर, जलालाबाद, राजपुरा, फिरोजपुर विच भी पुलिस वल्लों रेड मारी गई है। अमृतसर तो मनिंदर मौंगा साडे नाल जुड़ चुके ने। मनिंदर, जिस तरह नाल जहरीली शराब कई लोगों की जान से भारी पै गई और हुण यह आंकड़ा 100 तो उपर हो गया है, आखिरकार हुण किस तरह की कार्रवाई पुलिस करती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल ज्यादा जहरीली शराब का कहर लगातार बढ़ रहा है और जेकर जिसका भी गिनती गल की जाए तो बीते कल तरन तारण 17, अमृतसर के टांगरा में एक होर, बटाला एक मौत होर हुई है, जिसके चलते हुण कुल आंकड़ा जिहड़ा है वो 104 तक पहुंच चुके हैं और कल तरन तारण जिले मौतों की गिनती 80 हो चुकी है। तो जिले जो ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहे हैं, इसके अलावा लगभग एक दर्जन के करीब जो गंभीर रूप के पीड़ित ने इस जहरीली शराब के, वो अब तरन तारण के वक्त वक्त हस्पतालों में जेरे ला दिए, जो कई अखों की रोशनी तक भी जा चुकी है। तो लगातार इस शराब का कहर बढ़ता जा रहा है और इसके जी खास गल यह है कि इंटेलीजेंस विभाग वालों जो हम जानकारी दी जा रही है, लगभग 5 महीने पहला एक लिस्ट सौंपी गई थी सरकार ने, पुलिस ने, जिस 500 तो वध शराब के तस्कर इलाज के पर जो प्रमुख तौर पर शराब की तस्करी में शामिल सर, पर उस रिपोर्ट पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। हूँ 100 तो वध जाना कमान तो बाद ही छापेमारी की जा रही है। 1000 लीटर जो लाल जो जहरीली शराब है वो बरामद की गई है, अनेकों लोगों को गिरफ्तार किया गया। पर अगर वाला सवाल जरा सरकार की कार्रवाई चाहिए है कि जेकर समय रेंगे कार्रवाई की होंगी तो सारे ज्यादा बताइया जा सकती सर। तो इसके अलावा जेकर तरन तारण के सिविल हस्पताल की गल की जाए तो वो लोग जो अपने अपने अभी मृतक शरीर इतने लैके पहुंचे हुए हैं पोस्टमार्टम लिए, उन्होंने भारी खतरे का सामना करना पै रहा है, उन्होंने 2-3 दिन इंतजार करना पै रहा है और पोस्टमार्टम में भी एक बड़ी सिफारिश की जरूरत पै रही है क्योंकि लोग खतरे खुआर हो रहे हैं, उन्होंने तो दिन तीन दिन बड़ी बर्फ के पैसे मंगे जा रहे हैं क्योंकि अंदर जो फ्रिज है वो खराब है। तो इन्होंने बीच हालत में मृतक देह खराब ना हो गए उसको बचाने के लिए जी बर्फ है वो भी पीड़ित परिवारों से मंगी जा रही, तो बेहद खज्जल खुआरी का सामना उन्होंने परिवारों को करना पै रहा है जो अपने गवान तो बाद पहला ही बड़े गंभीर हालत में दुखी ने और बहुत तंग परेशान किया जा रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनिंदर फिलहाल दी जानकारी दे लई। सो जिस तरह नाल मौतों का आंकड़ा वधदा जा रहा है, कई लोग हले भी हस्पताल विच जेरे इलाज ने, उत्थे मृतक देहां मिलण दे विच भी खासी दिक्कतों का सामना परिवार वालों नूं करना पै रहा है।